गुड मॉर्निंग एवरी वन तो हम अभी देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ सॉइल फोस्पोरस कि सॉइल में जो फोस्पोरस है वो कैसे प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में आता है वो कैसे फिक्सेशन होता है तो हम इसकी केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉस्पोरस होता है वो प्रेजेंट होता है दो फॉर्म में कौन कौन सी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसे हमने नाइट्रोजन में देखा था कि नाइट्रोजन भी दो फॉर्म में प्रेजेंट था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ठीक है तो जो फॉस्पोरस होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट होता है जबकि इनऑर्गेनिक में सेवेंटी टू सिक्स फाइव होता है और ये वैल्यू फिफ्टी तक भी एक्सप्लेन करती है डिपेंड करता है हमारी सोइल कैसी है ठीक है तो डिफरेंट टाइप की सोइल में अलग अलग वैल्यूज होती है फॉस्पोरस की उसके बाद में हम देखते हैं कि फोस्फोरस का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है वो होती है आइनीसिटोल फोस्पेट ठीक है ये सबसे ज्यादा फोस्फोरस की अवेलेबल फॉर्म होती है जो सोइल में पाई जाती है उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो फॉस्फोरस है उसकी सोर्स क्या क्या है हमें फोस्फोरस कहां कहाँ से हमारी सोइल को मिल रहा है ठीक है तो न्यूक्लिक एसिड से फाइटीन फोस्पोलिपिट्स वगैरह इनसे फॉस्फोरस मेनली अवेलेबल होता है फिर फॉस्फोरस का मिनरलाइजेशन तो मिनरलाइजेशन वही सेम है नाइट्रोजन के जैसे कि जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है उससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट करना जैसे कि तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फर्दर प्लांट्स के लिए यूज हो जाएगा उसके बाद में हम फॉर्म्स देखते हैं फॉस्फोरस की तो फॉस्फोरस की तीन फॉर्म होती है बेसिकली प्राइमरी ऑर्थोफोस्फेट सेकेंडरी ऑर्थोफोस्फेट और तर्सरी ऑर्थोफोस्फेट जो प्राइमरी ऑर्थोफोस्फेट होता है वो कुछ सोयल जैसे कि हमारी एसिडिक सॉयल होती है एल्कलाइन सॉइल होती है इनमें सबकी वैल्यू अलग अलग होती है ठीक है तो वो आगे हम देखते हैं इसमें दे रखा है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सेवन पॉइंट सेवन सेवन से सेवन पॉइंट टू पी एच होती है ना वहाँ पे प्राइमरी ऑर्थोफोस्फेट और जो सेकेंडरी ऑर्थोफोस्फेट होते हैं ना उनकी वैल्यू सेम होती है वो एक दूसरे के इक्विलिबीरियम पे होते हैं ठीक है वहाँ पर कोई भी ज़्यादा कम नहीं होगा दोनों

फिक्सेशन होता क्या है फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है ना जिसमें क्या होता है कि जो अन अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है कोई भी न्यूट्रन जैसे हम देखेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो नाइट्रोजन अन अवेलेबल में होगी जो हमारी क्रॉप है प्लांट है उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होगी फोस्फोरस फिक्सेशन तो फिक्सेशन वही होता है कि प्लांट्स के लिए या जो क्रॉप है उसके लिए अन अवेलेबल फॉर्म में जाना है ठीक है तो इसमें यही देखा कि हमने कि जो स्ट्रॉन्गली एल्फिलाइन सोइल होती है उसमें हमारा तर्सरी ऑर्थोफोस्फेट ज्यादा होता है जैसे जैसे पीएच कम होगी रिड्यूस होगी क्योंकि एल्फिलाइन सोइल है तो पीएच ज्यादा होगी जैसे जैसे पीएच कम हो रही है तो वो जो तर्सरी ऑर्थोफोस्फेट कन्वर्ट होगा सेकेंडरी ऑर्थोफोस्फेट में और सेकेंडरी से वो प्राइमरी ऑर्थोफोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिक्स होगा किसके थ्रू कैल्शियम के थ्रू जिससे इन्सोल्यूबल फोस्पेट कंपाउंड बन जाएगा उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो एसिडिक सोइल है एसिडिक सोइल में क्या होता है कि जो प्राइमरी ऑर्थोफोस्फेट होता है ना वो फिक्स होता है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम और आयरन के जो कंपाउंड होते हैं उनके थ्रू और उनसे वो इन्सोल्यूबल फोस्पेट कंपाउंड बनता है ठीक है तो ये दोनों चीजें याद रखनी है हमने स्ट्रॉन्गली एल्किलाइन और स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोइल ठीक है अब हम देखते हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है किस किस के साथ कंबाइंड होता है तो हमने फॉस्फोरस तीन फॉर्म देखी है तो ये फॉर्म किसके साथ कंबाइंड होंगी ये होंगी फॉस्फोरस कंबाइंड विद कैल्शियम फॉस्फोरस कंबाइंड विद आयरन और एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस कंबाइंड विद सिलिकेट मिनरल्स जैसे हमने यहां पे देखा कि ये जो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सोइल है है, उसमें फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ कंबाइन होगा जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोइल है उसमें और आयरन के साथ कंबाइन होगा तो वही चीज बोल रहा है कि दो फॉस्फोरस कंबाइंड कैल्शियम और आयरन एलुमिनियम के साथ और एक सिलिकेट मिनरल्स के साथ तो सिलिकेट मिनरल्स के साथ दो फॉर्म होती है इसकी एनाइन एक्सचेंजेबल फिनोमिना होता है एक, और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट मिनरल्स पोलिवेल मेटल्स फोस्पेट तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमें सिर्फ यही याद रखनी है कि ये तीन फॉर्म में होता है उसके बाद ये रिएक्शन है तो इसमें ये जो हमारा आर ग्रुप है ये शिफ्ट हो जाएगा एच से और यहाँ पे यहाँ पे आर ओ एच कोई भी ये बन आर ओ एच बन जाएगा उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा मिनरलाइज एक हमारा होता है सीपी रेशियो सी पी रेशियो क्या होता है कार्बन फोस्फोरस रेशियो तो ये डिपेंड ये इफेक्ट करता है फोस्फोरस के मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन को मिनरलाइजेशन होगा ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना और इमोबिलाइजेशन होगा इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होना ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो जो सीपी रेशियो है इस पे डिपेंड होता है कि मिनटलाइजेशन होगा कि इमोबिलाईजेशन होगा अगर सीपी रेशियो ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड रेशियो वन है तो मिनटलाइजेशन परफॉर्म होगा ठीक है और अगर सीपी रेशियो टू हंड्रेड रेशियो वन से कम है इससे बिलो है तो हमारा इमोबिलाईजेशन होगा और इससे ग्रेटर है तो मिनरलाइजेशन होगा उसके बाद में हम फैक्टर्स देखते हैं कि हमारे सीपी रेशियो को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर मॉइस्चर एरिएशन पीएच फोस्पोरस फर्टिलाइजर अगर फोस्पोरस का फर्टिलाइजर ज्यादा हम अप्लाई करेंगे तो फोस्पोरस सीपी रेशियो ज्यादा होगा इवन कार्बन तो नहीं इफेक्ट होगा लेकिन फोस्पोरस इफेक्ट होगा ना उसका रेशियो ज्यादा होगा फिर कल्टिवेशन इंटेंसिटी उसके बाद में हम देखेंगे फॉस्फोरस फिक्सेशन तो हमने ऊपर बात की थी कि फॉस्फोरस फिक्सेशन होता क्या है ये एक प्रोसेस होती है जिससे प्लांट अन की जिसके लिए जिससे ना प्लांट में फॉस्फोरस अनअवेलेबल फॉर्म में होगा सोयल से सॉयल में तो प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकता है तो ये है हमारे से हमारे किससे फिक्सेशन होता है तो ये वही है जो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारी स्ट्रांगली एल्फलाइन सॉइल है उसमें वो कैल्शियम से फिक्सेशन होगा स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल है उसमें वो एल्यूमिनियम और आयरन से होगा और अगर मॉडरेट एसिडिक सॉइल है तो उसमें एल्यूमिनियम और जो आयरन है ना इनके एक्सचेंज होते हैं विद सिलिकेट तो उनसे वो फोस्फोरस फिक्सेशन होगा तो यहीं पे आयरन और एल्यूमिनियम रिएक्शन करेंगे फोस्फोरस के साथ और ये दोनों अलग अलग रिएक्शन या तो आयरन बन जाएगा या एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा ठीक है तो हमारे फोस्फोरस फिक्सेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग फोस्फोर फ़ोस्फेट फिक्सेशन इसमें सबसे पहले होगा नेचर एंड अमाउंट ऑफ सोइल तो नेचर और अमाउंट ऑफ कंपोनेंट में तीन चार चीजें हाइड्रोक्साइड बनेंगे ना वो रिएक्शन करेंगे सिलिकेट क्ले आयन से और वहां से फॉस्फोरस होगा उसको फिक्सेशन करते हैं और तो जो अमोरफस फॉस्फोरस होता है ना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका फिक्सेशन ज्यादा होगा क्योंकि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका फिक्सेशन भी ज्यादा होगा कंपेयर टू तो क्रिस्टलाइन सोइल में जो फोस्फोरस है उसके बाद में ये इसकी रिएक्शन है जैसे एलुमिनियम ऑक्साइड है ये हमारा एलुमिनियम है इसके साथ तीन ऑक्सी ओ, ओ एच के मोलिक्यूल्स कंबाइंड है अब यहाँ पे जो प्राइमरी ओर्थोफोस्पेट है ये एक ओएच को शिफ्ट कर देगा और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा उसके बाद में क्ले भी इफेक्ट करती है जो क्लेज होते हैं ना जैसे दो तीन टाइप के मिनरल्स होते हैं वन रेशियो वन टू रेशियो वन तो ये अलग अलग इनकी बाइंडिंग साइट अलग होती है वो इन पर डिपेंड करती है फोस्पोरस का फिक्सेशन तो ये जो फोस्पोरस एब्जॉर्व होता है ना वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो सॉइल है उसका क्ले टाइप्स कैसा है उसकी क्वान्टिटी

बनते हैं ठीक है जिन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है और उसकी वजह से फॉस्फोरस एल्यूमिनियम को एब्जॉर्व करेगा और वहां पे फॉस्फोरस का फिक्सेशन हो जाता है मतलब फॉस्फोरस फिक्सेशन में बेसिकली हमें यही देखना है कि फॉस्फोरस किस चीज के साथ बाइंड होकर अनअवेलेबल फॉर्म में आएगा जैसे ये फॉस्फोरस है अगर ये एल्यूमिनियम या आयरन के साथ बाइंड हो जाएगा तो वो प्लांट्स के लिए अन अवेलेबल फॉर्म में होगा ना तो अन अवेलेबल फॉर्म में होगा इसका मतलब उसका फिक्सेशन हो गया है तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि फॉस्फोरस दो टाइप का होता है दो टाइप से सॉइल में प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उसकी क्वांटिटी देख ली कितनी क्या हो गया कितना रेशियो होगा उसके बाद में हमने देखा कि मोस्ट कॉमन एनिसटोल फोस्पोरेट होता है और फोस्पोरस फॉस्पोरस के सोर्सेस देखे जैसे फाइटी न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स आगे फिर जैसे नाइट्रोजन में हमने मिनरलाइजेशन पढ़ा था सेम फॉस्पोरस में भी मिनरलाइजेशन है इसमें ऑर्गेनिक फोस्पेट कन्वर्ट होगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में फिर जो फॉस्फोरस की फॉर्म्स होती हैं वो होती है ऑर्थोफोस्पेट के फॉर्म में जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और थर्सरी ओर्थोफोस्पेट ठीक है एक पीएच होती है सेवन से सेवन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार इसके क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वगैरह कितनी पीएच पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो ऑर्थोफोसफेट है उन वो इक्विलीबीरियम पे होंगे कितनी पे सेवन से सेवन पॉइंट टू ठीक है उसके बाद में हमने दो टाइप की सॉइल देखी स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सॉइल और स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉइल एक स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सॉइल होती है ना उसमें क्या होता है कि तर्सरी ऑर्थोफोसफेट ज्यादा होगा जो कि कैल्शियम के से फिक्सेशन होगा उसका और इनसोल्यूबल फॉर्म में हो जाएगा और जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉइल होती है उसमें प्राइमरी ऑर्थोफोसफेट ज्यादा होगा जो आयरन और एल्यूमिनियम से और एक होती है मॉडरेट एसिडिक सॉइल जो मॉडरेट एसिडिक सॉइल होती है ना उसमें भी ऑर्थोफोस्पेट की ही क्वांटिटी हो, ज्यादा होती है तो वो आयरन और एल्यूमिनियम के आयन्स होते हैं ना जो हाइड्रोक्स आयन होते हैं ना हाइड्रोक्स ऑक्साइड उनसे सिलिकेट क्ले में वो एब्सो हो जाते हैं सिलिकेट क्ले क्या होता है कि उसमें वेरियस बाइंडिंग साइट्स होती है पे वो फोस्फोरस के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो, होते है न, वो जाके बाइंड हो जाते हैं फिर कंबाइंड फॉर्म देखी जो कैल्शियम के साथ आयरन और एल्यूमिनियम के साथ और एक सिलिकेट मिनरल्स के साथ इसके दो फर्दर जो पार्ट हैं वो देखे उसके बाद में ये एक रिएक्शन देखी जिसमें जो आर ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाता है एच के साथ और आर ओ एच बन जाएगा यहाँ पे तो बनेगा ठीक है उसके बाद में सीपी रेशियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिनरलाइजेशन और इमोबिलाईजेशन के लिए सीपी रेशियो की वैल्यू अगर ज्यादा है तो मिनरलाइजेशन होगा कम है तो इमोबिलाईजेशनों होगा फैक्टर्स देखे जिसमें टेम्परेचर मॉइस्चर पीएच वगैरह उसके बाद में फोस्पोरस फिक्सेशन देखा फोस्फोरस

तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और अगर कोलाइड है तो उसका क्रिस्टलाइन है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा और वहां पे अगर सरफेस एरिया कम है तो उसका फोस्फोरस फिक्सेशन भी कम होगा और एक जो लेट्राइड सोइल होती है उसमें काइट होता है कायलोनाइट होता है जो फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को ज्यादा इंक्रीज करता है